क्या हिंदू धर्म सिर्फ इतना ही बचा आज की तारीख में कि हिंदू धर्म का मतलब बीजेपी आरएसएस बचा? नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाएगा तो हिंदू धर्म जीत जाएगा, नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएगा तो हिंदू चुनाव हार जाएगा। एनआरसी क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए नुकसानदायक है, हिंदुओं के लिए नहीं है? असम की एनआरसी में 19 लाख में 13 लाख हिंदू है, समझ लो अच्छी तरीके से। सीएए में एक शब्द उन्होंने मुसलमान का हटा के ये जताने की कोशिश, ये आग लगाने की कोशिश की है जो आग दिल्ली में लगी। हिंदू धर्म के जो साथी हैं, जो हिंदू धर्म के अपने आप को ठेकेदार मानते हैं, मेरे को ये समझाओ, ये बच्चे जय श्री राम का नारा लगा के उपद्रव कर रहे हैं, क्या ये हिंदू धर्म है? पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, जय श्री राम कह रहे हैं, क्या ये हिंदू धर्म है? ये हिंदू धर्म नहीं है साथियों। श्री राम का कभी आदर्श में रामायण में कहीं भी पढ़ लो आप, राम ने कभी दंगों को प्रोत्साहित किया क्या? राम ने कहा कि दंगे करो? या राम की संस्कृति में दंगे हैं? हिंदू और सनातन धर्म की संस्कृति में हमने ऐसे धार्मिक दंगे किए जो अभी राजनीति के नाम पे हो रहे हैं? ये साथियों समझना है, खाली बीजेपी आरएसएस चुनाव हार जाएगा तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, ये थ्योरी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अकेले बादशाह हैं हिंदू धर्म को चलाने वाले, ये सत्य नहीं है। आरएसएस ही हिंदू धर्म है, ये भी सत्य नहीं है। आप समझो इसको साथियों, आरएसएस की जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में आप आ गए हो। हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का मैं अलग से वीडियो अभी बनाऊंगा जिसको आप सुनना, मगर साथियों धर्म को समझो, धर्म के नाम पे हो रही इस पॉलिटिक्स को समझो। मैं उन सारे नौजवानों को कह रहा हूं, क्या है आप अपनी रोजी रोटी के लिए सड़क पर क्यों नहीं उतरते हैं? आप अपने व्यापार के लिए सड़क पर क्यों नहीं उतरते हैं? आप अपनी परमानेंट नौकरी के लिए सड़क पर क्यों नहीं उतरते हैं? मैं दंगे की बात, दंगे कभी नहीं करना साथियों, सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान कभी नहीं करना है, हमको विरोध भी करना है, हमें अपनी आम जनता के घर कभी नहीं जलाने हैं। ये बहुत ही गलत काम है साथियों, बहुत ही गलत काम है, इस बात को समझो मेरे नौजवानों। बहुत ही दुखद काम हुआ, जितनी निंदा की जाए दिल्ली में जो दंगे हो गए वो कम है, और जिसमें बीजेपी का आरएसएस का षड्यंत्र खुल्लम खुल्ला, शासन का, प्रशासन का, पुलिस का दुरुपयोग, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। आप समझो, न्याय की व्यवस्था नहीं होगी, कहां जाएगी जनता? कहां जाएगी जनता न्याय मांगने के लिए? यदि पुलिस दंगाइयों के साथ है तो न्याय मांगने इंसान कहां जाएगा? किसके सामने न्याय के लिए खड़ा होगा? और जब न्याय नहीं होगा तो साथियों अराजकता होती है, अराजकता होती है। हर कोई हर जगह न्याय अपने खुद ही न्याय पाने लगेगा तो खत्म हो जाएगा देश खत्म हो जाएगा साथियों। हिंदू मुसलमान का जो नफरत बो करके ये पॉलिटिक्स राजनीति का नया प्रयोग जो दिल्ली में हो रहा है, ये प्रयोग विफल करो साथियों, अच्छी तरीके से समझ लो साथियों। धर्म को नष्ट करने का काम है ये, जो भी धर्म का राजनीति को उपयोग कर रहा है वो धर्म को नष्ट कर रहा है, धर्म को कमजोर कर रहा है, धर्म को बर्बाद कर रहा है, धर्म के आदर्शों का दुरुपयोग कर रहा है। जो दंगा करवाते समय जय श्री राम बुलवा रहे हैं, जो मस्जिद में बम फेंक रहे हैं और जय श्री राम कर रहे हैं, जो अपने आप को खड़े होकर के जब पत्थर मार रहे हैं तब जय श्री राम कर रहे हैं। कुछ एक वीडियो हमने देखा, उसमें कुछ लड़कों को पुलिस ने मार मार के बुरा हाल कर दिया, खून बह रहा, उनसे गाना गबुआ रहे, वंदे मातरम गबुआ रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि कौन सी आजादी चाहिए, पुलिस वर्दी पहने उनसे, कितना घृणा बोया है इन्होंने, कितनी नफरत बोई है देश के अंदर। ये घृणा नफरत कहां निकलेगी साथियों? सोनियोजन तरीके से धर्म के नाम पे घृणा बीजेपी आरएसएस बो रहा है, लोगों के दिमाग में इतना नशा चढ़ गया कि धर्म के सामने अंधे हो रहे लोग। हमारी पूरी नौजवान पीढ़ी को अंधा करने का ये पूरा षड्यंत्र चल रहा है, घृणा मानवता को नष्ट कर देती है, इंसानियत को खत्म कर देती है। धर्म भी हमें इंसानियत और मानवता का पाठ पढ़ाता है, और ये घृणा
ये हिंसा इंसानियत को, मानवता को नष्ट कर देती है। ये जो नशा है धर्म का, ये नफरत है जो धर्मों की, ये नफरत हमारे देश को बर्बाद कर देगी। साथियों, हमारा भारत माता का तिरंगा झंडा कहता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ये हमारा देश का संविधान कहता है, ये देश का हमारा कानून कहता है। साथियों, जिनके हाथ में किताबें होना चाहिए उनके हाथ में तलवारें थमा रहे हैं, जिनके हाथ में रोजगार होना चाहिए वो नट्ठे लेके राडे लेकर के सरकारी संपत्ति का लोगों के घरों पे हमले कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। जिनके हाथ में रोजगार होना चाहिए, जिनको स्थायी नौकरी मिलना चाहिए, वो हाथ से रिवाल्वर से गोलियां चला रहे हैं। किस तरीके की फौज तैयार कर रहा है बीजेपी, किस तरीके की पॉलिटिक्स करना चाहते हैं देश के अंदर? क्या इस राजनीति से देश का भला होगा? क्या इस राजनीति से हमारा देश महाशक्ति बनेगा? क्या होगा इस देश से? क्या इस राजनीति से जीडीपी बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा? क्या होगा इस राजनीति से? हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, इसको समझना है साथियों। एक तरीके की राजनीति है, जिस राजनीति को हिटलर ने इस्तेमाल किया था। हिटलर ने जो है जर्मनी के अंदर पता नहीं कितने मासूमों को, बच्चों को, महिलाओं का कत्लेआम किया, इसी सोच के चलते आरएसएस जो धर्म का दुरुपयोग कर रहा है राजनीतिक फायदे के लिए, इससे देश को बचाओ, इससे नौजवान पीढ़ी को बचाओ, नहीं तो साथियों ना धर्म बचेगा और ये राजनीति का तो क्या होगा, देश का क्या होगा पता नहीं। देश नष्ट हो जाएगा, पीढ़ियों पीढ़ियों तक ये नफरतें रहेंगी, पीढ़ियों पीढ़ियों तक हम आपस में लड़ेंगे, कटेंगे, पिटेंगे। और बीजेपी जैसी नफरत वाली पार्टी का सोचेंगे जितना ये होगा धर्म के नाम पे लड़ाई होगा, उतना ज्यादा उनका राजनीति मजबूत होगा, उतने ज्यादा दिनों तक वो नेता बन के रहेंगे, उतने ज्यादा दिनों तक देश में उनकी राजसत्ता रहेगी, देश में उनकी सरकारें रहेंगी। ये उनकी पॉलिटिक्स है। हर देशवासी का जिम्मेदारी है, हर राष्ट्रभक्त का जिम्मेदारी है कि इस कानून के राज को हम मेंटेन करें, अराजकता के राज को नष्ट करें और कानून के राज को कायम करें। हर कोई रस्ते में अपना कानूनी को छोड़ के बदला लेने लगेगा तो कानून का राज खत्म हो जाएगा। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि हमारे हिंदू धर्म के लोग, हिंदू धर्म की नौजवान पीढ़ी हमारे इस बात को समझेगी जो हम निवेदन कर रहे हैं, और आने वाले समय में देश में सद्भाव पैदा करेंगे, एकता कायम करेंगे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ये तिरंगा की शान को कायम करेंगे। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वो अगला वीडियो मेरा जरूर सुने, मैं हिंदुत्व की जो थ्योरी है उसके ऊपर उस वीडियो में बात करूंगा। तो इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।